प्रेज द लॉर्ड, शालोम, आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम और जॉय यीशु। मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो वचन है इसमें परमेश्वर आपसे बात करेंगे। मैं बिलीव करता हूँ आज का वर्ड आपकी लाइफ को बहुत हद तक एक पॉजिटिवनेस में लेके जा सकता है। लेकिन हमेशा संदेश को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूँ कि इस चैनल का जो नाम है वो है बेसिक टीचिंग्स, बुनियादी शिक्षाएं। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि हम प्रार्थना कैसे करें, हम वचन को किस तरह पढ़ें, हम किस चर्च में जाएं, किस तरह के लीडर को फॉलो करें, प्रभु भोज क्या है, बपतिस्मा क्या है, किन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के होते हैं। मैंने इस चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, 100 से भी ज़्यादा इस पे वीडियोस हैं, जिसमें लोगों के सवालों का मैंने उत्तर देने की बड़ी कोशिश की है। अगर आप चाहें तो आप इस चैनल को विज़िट करिए, आराम से देखिए, एक एक वीडियो रोज़ देखिए। हर वीडियो के साथ एक आर्टिकल भी आपको मिल जाएगा। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, वॉच दीज वीडियोस, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। वचन को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह उसी बात से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं ये आपको एक ट्रेडिशनल वे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सच में जो मैं जानता हूँ वो मैं वो कह रहा हूँ जो मेरे दिल में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपके अंदर एक सवाल होगा, ब्रदर मैं अच्छी ज़िंदगी नहीं जीता, क्या उसके बाद भी खुदा मुझसे प्यार करता है? जी हाँ, वो आपसे प्यार करता है। अगर आप इससे भी बुरे होते जहाँ पर आज आप हैं, तो भी वो आपसे प्यार करता, क्योंकि वो जानता है उसका प्यार आपको बदल देगा। उसको पता है कि आपका उसका जो प्यार है वो आपको एक दिन उसकी तरफ फेर देगा। बाइबल कहती है परमेश्वर की भलाई मनुष्य को मन फिराव का अवसर देती है। परमेश्वर का सिर्फ क्रोध नहीं, लेकिन परमेश्वर की भलाई, जब परमेश्वर देखता है कि मेरा बच्चा कुछ गलत कर रहा है और उसके बाद भी वो आपसे प्यार करता है, वो एक मन फिराने का अवसर है। आज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आज वही प्रेमी परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आज के वचन को सुनते समय आप कोई भी काम न करें। अगर आप ऑफिस पे बैठे हैं, 10 मिनट के लिए अपना काम छोड़ दीजिए। अगर आप घर में हैं तो 10 मिनट के लिए मेरी बहन अपना काम छोड़ दीजिए। मैं चाहता हूं आप इस वचन को सुने, ये वचन आपके बहुत सारे सवालों के उत्तर देगा। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ रहा हूँ जो मरकुस के 4:24 में लिखा है। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह हमें यहाँ पर एक टीचिंग दे रहे हैं, वो हमें एक शिक्षा दे रहे हैं कि आप ध्यान दो कि आप क्या सुनते हो। याद रखिए, शब्द सुनने के बाद वो लगातार दिमाग से बातें करते रहते हैं। आपने कई बार ये बात अनुभव की होगी कि अगर आपको किसी ने कुछ कहा, अगर आपके बारे में किसी और को कहा, या आपके फेस पर किसी ने आपको कुछ कहा, वो लोग बोल के निकल जाते हैं, पर वो वर्ड्स आपके अंदर इतने सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं और वही थॉट्स आपको अंदर से जैसे निचोड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, आपको डिप्रेस करते हैं। मैं जानता हूँ बहुत बार जब कोई हमें कुछ कहता है, वो शब्द हमसे बात करते हैं, न केवल शब्द बात करते हैं पर कई बार हमारे सिचुएशंस, हमारे हालात, जो हमारे पहाड़ हैं वो तक हमसे बात करते हैं। कई बार लाइफ में ऐसा होता है जब हम इन बातों से गुजरते हैं। अब जानते हैं क्या होता है अनसुना करना। यहां पर बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने
अपने चेलों को कहा कि अपने लोगों को कहा कि ध्यान दो कि क्या सुनते हो। बाइबल बताती है एक दिन आया जब एक व्यक्ति ने यीशु को आके कहा मेरी बच्ची बीमार है और आप उसे ठीक करिए। और कलाम कहता है कि जैसे यीशु उसके पास जा रहा था, रास्ते में किसी और बहन ने यीशु के वस्त्र को छुआ, वो चंगी हो गई और यीशु ने उससे बात की। और कलाम कहता है लेकिन यीशु कहीं और जा रहे थे और वहाँ जाने में जब देर हो गई और उसे पता चलता है कि जब एक बंदे ने आके यीशु के सामने आके कहा कि अब आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, लड़की का जो बाप है वो भी वहीं खड़ा है और उससे कहा गया आपकी बच्ची मर चुकी है। आप जानते हैं दो लोगों ने ये बात बहुत प्रॉपरली सुनी, एक यीशु ने और उस लड़की के पिता याइर ने। जैसे यीशु ने मौत की खबर सुनी, बाइबल बताती है उसने उस बात को अनसुना कर दिया, लेकिन एक ने सुनी थी। इसलिए यीशु फिरकर उसे भी कहते हैं डर मत, केवल विश्वास रख। यीशु अब उसके फेथ को भी बचा रहे हैं। आप जानते हैं बातों को सुनकर अनसुना कैसे किया जाता है, स्पेशली अगर आप एक नकारात्मक व्यक्ति हैं, नेगेटिव पर्सन हैं, आप हमेशा हर चीज में से कोई ना कोई नेगेटिव बात ढूंढ ही लेते हैं, निकाल ही लेते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको किसी की खूबी तो दिखती ही नहीं है, सिर्फ आपको दिखाई देता है लोगों के अंदर कितने डॉट्स हैं ब्लैक, लोग कितने गलत हैं, लोग क्या ऐसा कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि कई बार हमें लोगों की बुराइयाँ दिखती हैं, लेकिन हमें लोगों की खूबियाँ भी देखनी चाहिए। आप जानते हो बातों को सुन के अनसुना कैसे किया जाता है, सिंपल। किसी ने आपको कुछ कहा, उसे मनन मत करो, उसे अपने अंदर बड़ा मत बनाओ, उन्हें उस चीज को लेकर इतना मत सोचिए कि अब वो चीज आपको पूरी तरह से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे। आप जानते हो यीशु ने क्या कहा, यीशु ने क्या किया, जब उस बंदे ने कहा वो लड़की मर गई है, यीशु ने सुना पर उसे एंटरटेन नहीं किया। कई बार आप बातों को जब आपको खबरें मिलती हैं, कई बार आपको लोगों की बातें पता चलती हैं और आप बैठे बैठे उनके बारे में सोचने लग जाते हैं। यहां पर आपको खुद को पकड़ना है और आपको उसी समय कुछ और सोचना है। आप याद रखिए, अगर आप कुछ सुनकर कुछ और नहीं सोचेंगे, आप वही सोचेंगे जो कहा गया है। लर्न करिए इन चीजों को, ये आपकी जिंदगी में आपको बहुत पॉजिटिव रहना सिखाएंगी। किसी ने आपको इज्जत नहीं दी, किसी ने आपको बहुत कुछ कहा, किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने आपको ये कह दिया, किसी ने आपको वो कह दिया। उन चीज़ों को सुनने के बाद उन चीज़ों को मनन न करें, उन चीज़ों के बारे में सोचें नहीं। जितना आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे आप इनसिक्योर हो जाएंगे, असुरक्षित, आप नेगेटिव हो जाएंगे, आप उन लोगों से नाता तोड़ देंगे, आपको जहाँ कहीं भी वो लोग दिखाई देंगे आपका ब्लड आपके सर पर चढ़ जाएगा, खून सवार हो जाएगा कि इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों? क्योंकि आप उसके बुरे रवैये को और उसकी बुरी बातों को अपने मन में बैठ के सोच रहे हो। कई बार ये होता है, या कई बार हम देखते हैं जब हम किसी जगह पे एफर्ट डालते हैं, हम कोशिश करते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता और हम उस असफलता को लेके अपने दिमाग में उसके बारे में सोचते रहते हैं। हम लोगों की गलत रवैये को कई बार मनन करते हैं। हम देखते हैं कि आप एक ऑफिस में हो, हर 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 व्यक्ति को कोई ना कोई सपोर्ट करता है, लेकिन आपको सपोर्ट कोई नहीं करता। सब आपको यही कहते हैं, ओ तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ज़्यादा ही सीधा बनता है, तू बहुत जीसस जीसस करता रहता है। और हम कई बार उनकी बातों को लेके बैठते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए बहुत कुछ यहाँ आएगा, लेकिन हर एक को यहाँ पर जगह मत दो। मैं हमेशा एक इलस्ट्रेशन यूज करता हूँ, एक छोटा सा एक मुहावरा यूज करता हूँ कि अगर एक पक्षी, एक बर्ड, एक परिंदा आपके ऊपर घूम रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो आपके ही सर पर एक नेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने उसको नहीं रोका, वो अपना बसेरा बना लेगा और आहिस्ते आहिस्ते वो वहाँ पर अपने अंडे देना स्टार्ट कर देगा। कई बार शैतान जो है वो सोच विचारों को कब्जा करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके लिए गढ़ बन जाए जहाँ पर वो रह सके। इसीलिए पॉल कहता है कि हम गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थ्य,
जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा इन घड़ों में रहते थे, किलों में रहते थे। आज भी अगर आप बहुत सारी जगहों पे जाएं, राजस्थान जाएं या ऐसे इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस पे जाएं, तो आपको पुराने पुराने किले मिलेंगे। इवन आप अगर दिल्ली में रहेंगे तो आपने देखा होगा वहाँ लाल किला है, बहुत सारे जगहों पे किले हैं। उन किलों के अंदर वो लोग छुपते थे, बैठते थे, राज्य करते थे, दुश्मनों से बचने के लिए ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करते थे। उसे गढ़ कहा जाता है, किला कहा जाता है। शैतान भी ऐसा ही है, एक एक ख्याल आपके अंदर दे दे के वो अपनी दीवारें खड़ी करता है ताकि वो वहाँ पर बैठ के आपकी लाइफ को ऑपरेट कर सके। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, कुछ भी सुन रहे हो या कोई भी आपको कुछ कह रहा है, उन बातों को मनन न करें, उन बातों के बारे में सोचे नहीं, कुछ और सोचे। दाऊद ने गोलियत को क्यों मारा, 5 पत्थर से क्यों मारा? जब परमेश्वर ने देखा कि केन ने हाबिल की हत्या कर दी है, फिर भी खुदा आके क्यों पूछता है तेरा भाई कहाँ है? जब परमेश्वर ने देखा कि आदम ने पाप किया है, उसके बाद भी प्रभु आके क्यों पूछता है कि तूने फल खाया क्या? कभी कभी आप पढ़ के देखिए, आराम से हन्ना के लिए पढ़िए कि क्यों हन्ना को इतने साल तक बच्चा नहीं दिया, ऐसा क्या किया उसने कि उसे बच्चा मिल गया। आपको देखना चाहिए कभी कभी कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, कैसे उसने उसके बाद पाप हो जाने के बाद एक जाति उठाई और उसके द्वारा उसने यीशु मसीह के आने की प्रतिज्ञाएं की, कैसे यीशु मसीह आया, कैसे यीशु ने अपना पवित्र आत्मा चेलों पे उंडेला, उन्होंने काम किया, चर्च बनी और आज उसी चर्च के हम हिस्से हैं। मेरे भाइयों बहनों, अपने आप को इन बातों में बिजी करिए, न कि इन उन बातों में जो आपको ही मार रही है। मैं फिर से कहता हूँ, चीज़ों को अनसुना करने का मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ कहा, कुछ कोई कुछ कह रहा है और आपको अपना कान बंद करना है। नहीं, आप सुन लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए मुझे किस चीज़ के बारे में सोचना है, किस बारे में नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ एक छोटे से वर्ड में आपने आज कुछ लर्न किया होगा। हो सके तो अपनी लर्निंग को ज़रूर लिखिए ताकि हम भी उत्साहित हों कि आप सीख रहे हैं। और हमेशा की तरह हमेशा मैं आर्टिकल देता हूँ इंग्लिश एंड हिंदी में, और इस बार हमारा जो आर्टिकल है उसका नाम है अनसुना, अनहियर्ड, अनहर्ड, अनसुना करना। और अगर आप हमें इस नंबर पे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप यहाँ पर सिर्फ लिख के भेजेंगे अनसुना और इस नंबर पे अपना नाम और आप कहाँ से हैं लिख के भेजेंगे, हमारे पास आर्टिकल है, हम आपको हिंदी इंग्लिश हम उसे प्रोवाइड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपने बहुत बरकत पाई होगी। आप सबको जय मसीह।